हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ भाग्यश्री सिसोदिया और आज हम बात करेंगे कोविड 19 के इस महामारी भरे दौर में कोविड 19 से जुड़ी खबरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं, और हम बात करेंगे इससे बचने के और इसका सामना करने के एक कारगर उपाय के बारे में जो कि है योगा। योगा हमारे मन को तन को स्वस्थ बनाने का काम करता है। यह हमारी शारीरिक मानसिक क्रियात्मक भावनात्मक मजबूती प्रदान करता है और हमें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। यह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम और वेस्कुलर सिस्टम को बैलेंस करने का काम करता है। इतना ही नहीं, योग उच्च रक्तचाप डायबिटीज ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल जैसी भयंकर बीमारियों को समूल नष्ट करने का काम करता है और इसे नियंत्रित करने का काम करता है। योग जब इतनी सारी बीमारियों और समस्याओं को हमारे शरीर से भगाता है तो हमें भला योग करने से क्यों परहेज। भारत जो कि विश्व में योग गुरु के नाम से जाना जाता है, तो विश्व में योग गुरु के नाम से भारत जाना जाता है और हम यहाँ के सदस्य जब योग नहीं करेंगे फिर तो क्या ही बात। योग का अर्थ होता है जुड़ना, हमारी आंतरिक शक्तियों के साथ जुड़ना। हमारी आंतरिक शक्तियों को मजबूती प्रदान करता है। हमारे शरीर को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाने का काम योग करता है। योग के जनक महर्षि पतंजलि हैं। योग में प्राणायाम और आसन आते हैं। प्राणायाम जैसे कि हम अनुलोम विलोम कपालभाति भ्रामरी जैसे प्राणायाम को करने से तनाव मुक्ति होती है। इसमें हम एक गहरी सांस को अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं जिससे तनाव मुक्त होते हैं। आसन जैसे बकासन हलासन करने से डिप्रेशन जैसी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। करने से नींद अच्छी आती है, भूख लगती है। इतने सारे फायदे होने के बावजूद हम योग क्यों न करें। योग करने से हमारे शरीर के हानिकारक टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। वर्तमान में योग हमारी आवश्यकता ही नहीं जरूरत बन चुका है। इस भयंकर महामारी से बचने के लिए योग एक बहुत ही कारगर तरीका है, जिसे कर हम हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं और ऐसी बीमारियों को हमसे दूर रख सकते हैं। लेट्स डू योगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।